The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal. Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, bahut sare logon ne humse collagen ke bare mein pucha. स्किन के लिए, बोन के लिए, जॉइंट्स के लिए. सो कोलेजन के बारे में बात करते हैं. आज मैं बताऊंगा आपको कोलेजन एक्चुअली काम का है या नहीं है, और है तो कितना. सो कोलेजन क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों. कोलेजन जो है वो आपके शरीर में प्रेजेंट एक प्रोटीन है, और टेक्निकली ये सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट प्रोटीन है आपके शरीर में, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन योर बॉडी. और ये एक मेजर कंपोनेंट है, हिस्सा है आपके कनेक्टिव टिश्यू का, मतलब आपके हड्डियों का, आपके बोनी पार्ट बॉडी पार्ट्स के अंदर, टेंडन का, लिगामेंट का, स्किन का, मसल्स का, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोलेजन के बहुत ज़रूरी फंक्शन है आपके बॉडी के अंदर, मतलब आपके स्किन का स्ट्रक्चर, आपके बोन्स की स्ट्रेंथ, ये आपको कोलेजन डिसाइड करता है. अब पहले तो ऐसे कोई सप्लीमेंट नहीं आता था, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और ज़्यादातर जो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, हाइड्रोलाइज मतलब कोलेजन को ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया गया है ताकि वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए, इजीली एब्जॉर्बेबल. अब ये क्या है, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपके शरीर में जाते हैं और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, ये सच है. अब ऐसा तो नहीं है कि ये कोई फूड प्रोडक्ट से नहीं आते, आते हैं. नाउ कुछ तरीके के फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कोलेजन ज़्यादा है, जैसे कि अब क्वाइट फ्रेंकली ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होते हैं, बोन ब्रॉथ या पॉर्क स्किन. जी हाँ, पॉर्क स्किन और बोन ब्रॉथ में कोलेजन बहुत ज़्यादा है, बट आप वो खाएंगे नहीं, इसीलिए वो चीज़ कौन खाता है, राइट. और कोलेजन लेने के, कोलेजन एक्स्ट्रा लेने के, सप्लीमेंट लेने के बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट देखे गए हैं, ये चाहे जॉइंट पेन में हो, चाहे स्किन के लिए हो. तो पहले बात करते हैं आपकी स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है. यस, स्किन हेल्थ इंप्रूव होती है. स्किन में अपने आप में मेजर कंपोनेंट है कोलेजन, और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन, स्ट्रेंथ ये बढ़ती है. आपकी एज, और एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपका बॉडी जो है कोलेजन कम प्रोड्यूस करने लगता है, जो नेचुरल कोलेजन है वो कम प्रोड्यूस करता है, इसलिए ड्राइनेस आने लगती है, रिंकल्स बनने लगते हैं. तो यस, टेकिंग अ कोलेजन सप्लीमेंट्स, आपके रिंकल्स भी कम हो जाते हैं और एजिंग स्लो हो जाती है, दैट इज़ वन गुड थिंग. स्टडीज़ में ये देखा गया है कि कोलेजन पेप्टाइड सप्लीमेंट्स जो कोलेजन ले रहे हैं वो एजिंग को, रिंकल्स को, ड्राइनेस को रिड्यूस करते हैं. वन स्टडी जिसमें विमेन को ये कोलेजन सप्लीमेंट दिया गया था, 2.5 to 5% कोलेजन दिया गया 8 हफ्तों के लिए, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि उनकी स्किन ड्राइनेस कम हो गई थी और सिग्निफिकेंटली स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ गई थी एज कंपेयर टू जो लोग नहीं ले रहे थे. एक और स्टडी हुई जिसमें कोलेजन बेवरेज मिक्स करके कोलेजन सप्लीमेंट के साथ उनको 12 हफ्ते तक फीमेल्स को पिलाया गया, उसमें यह देखा गया कि उनके रिंकल्स की डेप्थ पहले से या कंपेयर ग्रुप से कम हो गई, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. सो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं इसके, सो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट द स्किन. सो कोलेजन सप्लीमेंट्स, और भी बहुत सारे क्लेम्स हैं इसके कि एक्ने भी ठीक कर देंगे, स्किन की बीमारियां ठीक कर देंगे, ऑल्दो इस चीज के लिए कोई एविडेंस नहीं है, पर रिंकल्स, एजिंग और स्किन हेल्थ के ऊपर बहुत जरूर इफेक्ट पड़ता है, तो इट कैन स्लो योर एजिंग. ऑलराइट, देन जॉइंट्स के लिए, जॉइंट्स में आपके कार्टिलेज, आपके जो रबर लाइक टिश्यू है जो आपके दोनों बोन्स के बीच में होता है, जॉइंट के बीच में होता है, जिसके वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसके वजह से आपके घुटने दुखते हैं, आपकी पीठ दुखती है, वो कार्टिलेज जो उम्र के साथ वीक होने लग जाता है, कोलेजन सप्लीमेंट से आपको कार्टिलेज को डिजेनरेटिव बोन डिजॉर्डर, जॉइंट डिजॉर्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत हेल्प मिलती है. स्टडीज में यह देखा गया है टेकिंग कोलेजन सप्लीमेंट्स कैन हेल्प इंप्रूव योर सिम्टम्स, ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और आपके जॉइंट पेन, ओवरऑल जॉइंट पेन को कम करते हैं, इसीलिए कोलेजन, ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, इन सब का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, जैसा हमने पहले एक बार वीडियो में बताया भी था आपको.
राइट इसको स्टडी में भी देखा गया है, एक स्टडी में 73 एथलीट को 10 ग्राम कोलेजन डेली दिया और 24 हफ्तों के बाद उन्होंने देखा कि उनके जॉइंट पेन जो पहले होते थे वो अब कम हो गए हैं वॉकिंग करते भाई, ऐसे एथलीट जो ऐसे ग्रुप से भी कंपेयर किया जो नहीं ले रहे थे, तो दैट्स गुड राइट। तो कोलेजन सप्लीमेंट्स जॉइंट पेन और फिजिकल एक्टिविटी को आपके बेटर करते हुए देखे गए हैं रिसर्च में, ये देखा गया है। यहाँ तक इसके साथ में ये भी देखा गया है रिसर्च में कि कोलेजन सप्लीमेंट्स आपके इन्फ्लामेशन को, जॉइंट इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, तो पेन भी कम होता है, दैट इज देयर। सो इट कैन रिलीफ प्रेशर इफेक्ट्स, पेन रिलीविंग इफेक्ट्स और जॉइंट खराब होने की जो स्पीड है उसकी जो उम्र है बढ़ा सकते हैं। उसका जो डोज है नॉर्मल जॉइंट के लिए वो 8 से 12 ग्राम के आसपास है पर डे के लिए, और स्किन के लिए जैसे हमने बताया 5 ग्राम तक भी हो सकता है, लो डोज हो सकता है। फिर बोन लॉस प्रिवेंट करने के लिए भी कोलेजन काम आता है, कोलेजन में बिकॉज बोन्स आर ऑल्सो मोस्टली मेड ऑफ कोलेजन, और कोलेजन होगा तो बोन स्ट्रांग होगी, वेरी वेरी सिंपल, और उम्र के साथ कोलेजन कम होता है तो बोन भी वीक हो जाती है, जल्दी हड्डी टूट जाती है, तो कोलेजन देना अच्छी बात हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और जॉइंट्स के लिए जो दिए वो तो दिए, पर कोलेजन इज ऑल्सो अ गुड एडिशन टू योर सप्लीमेंट्स राइट। स्टडीज में भी ये देखा गया है, स्टडीज में देखा गया है जो लोग कोलेजन ले रहे थे उनकी बोन्स ब्रेकिंग जो ऑस्टियोपोरोसिस की स्पीड है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू प्लासिबो ग्रुप। और स्टडी में ये भी देखा गया है कि कोलेजन जो विथ कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे थे और 12 महीने तक, उन लोगों के केस में बाय द एंड ऑफ द स्टडी जो कैल्शियम और कोलेजन ले रहे थे उनमें जो ब्लड लेवल्स हैं प्रोटीन का जो के प्रमोट करते हैं ब्रोन ब्रेकडाउन वो बहुत कम हो गए थे, तो दैट इज़ वेरी गुड। अकेले कैल्शियम लेने से मच बेटर है कोलेजन विथ कैल्शियम लेना, दैट इज़ वेरी गुड। सो ऐसी कई सारी स्टडीज़ हैं जो छोटी मोटी चीज़ें बोन मिनरल डेंसिटीज बढ़ते हुए दिखाती हैं, BMD इज़ द डेंसिटी, कैल्शियम आपके हड्डियों में कितना मिनरल है वो दिखाती हैं बढ़ते हुए, तो कोलेजन इज़ नो डाउट गुड फॉर योर बोन्स, योर जॉइंट एंड योर स्किन। बट यहाँ तक के आपकी मसल मास के लिए भी अच्छा है, 1 to 10th ऑफ योर मसल टिश्यू इज कोलेजन, 1 to 10% आपकी मसल जो है कोलेजन है जो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर फंक्शन देती है। और ऐसे लोग जिनमें मसल लॉस हो रही है जैसे सार्कोपेनिया हो रहा है, मसल मास लॉस हो रही है, उनके केस में ये देखा गया है कोलेजन सप्लीमेंट काम करता है। खासकर मान लो आपको कोई आपको प्लास्टर लग गया, आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना 1.5 महीना आपका प्लास्टर नहीं निकलने वाला, सो इन दैट केस वो मसल एट्रोफी हो जाती है। इन दैट केस अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपकी जो मसल है वो नहीं या कम एट्रोफी होगी। इसको स्टडी में भी देखा गया है जो फ्रेल मैन मान लो कोई कमज़ोर 27 कमज़ोर लोगों को 15 ग्राम कोलेजन दिया गया और एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया गया डेली 12 हफ्ते के लिए, और दूसरे कंपेयर किया लोगों को जिनको कोई कोलेजन नहीं दिया गया, तो उनमें देखा गया कि यस उनमें अंदर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा मसल ग्रेन हुई है कोलेजन लेने से, सो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। अब ये है कि भाई इसको बॉडी बिल्डिंग के लिए लेने मत लग जाना, ऑल्दो ले सकते हैं बट देन नॉट सो मच, इट्स उसका डोज समझना जरूरी है राइट। 10 ग्राम तक ले सकते हैं, 12 ग्राम तक ले सकते हैं पर डे, और 15 भी ले सकते हैं बट डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, तो मसल के लिए भी अच्छी होगी। फिर हार्ट हेल्थ के लिए भी बोला गया है कोलेजन के लिए, बिकॉज आर्टरीज खून की नसों के भी आसपास कोलेजन होता है, अल्टीमेटली हर बॉडी के अंदर बहुत बहुत सारा कोलेजन है, सो कोलेजन होना आपकी बॉडी के अंदर अच्छा है, ना सिर्फ इसके लिए हार्ट के लिए भी, ब्लड वेसल्स के अंदर जो इलास्टिसिटी मेंटेन रहना तो आपके अंदर क्लॉटिंग एथरोस्क्लेरोसिस कम होगा। इसमें स्टडी की गई 31 हेल्दी एडल्ट जिनको 16 ग्राम कोलेजन दिया गया था 6 महीने के लिए, और बाय डी एंड उन्होंने देखा कि उनकी आर्टरी की जो स्टिफनेस है एज कम्पेयर टू बिफोर वो काफ़ी हद तक बेटर हो गई थी, स्टिफनेस कम हो गई थी, दैट इज़ वेरी गुड राइट। दे इवन इंक्रीज योर गुड HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ाता है आपका कोलेजन सप्लीमेंट, सो कोलेजन इज़ वेरी गुड इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। इसके अलावा छोटे मोटे बेनिफिट्स हेयर के लिए, नेल्स के लिए, वेट लॉस के लिए, ब्रेन के लिए, ऑब्वियसली आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स, आपकी स्किन, आपकी सब कुछ अच्छा होगा तो ये भी अच्छा होगा। सो इन जनरल देखा जाए कोलेजन के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट देखे गए हैं, आपके ब्रेन, हार्ट, गट, आपके वेट कंट्रोल, नेल्स, हेयर, स्किन, जॉइंट्स, तो ये सब है। आखिरी में सवाल आता है किन किन खाने के प्रोडक्ट्स में कोलेजन है। कोलेजन है चिकन के, पोर्क के, बीफ के, फिश के, इनके अंदर, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड में और नॉन वेजिटेरियन खाने के अंदर कोलेजन होता है, और देखा जाए तो इन इस सारी चीज़ों के स्किन में
जी हाँ, फिश के स्किन, चिकन के स्किन, बोफ के स्किन, इनके स्किन में और ज़्यादा होता है, और तो स्किन हम नहीं खाते, बट देन स्किन कैन बी ड्राइड एंड मेड पाउडराइज एंड देन उसका कोलेजन बनाया जा सकता है. ऐसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और जिनमें जेलेटिन होता है, फूड बेस्ड ऑन जेलेटिन, ऐसे बोन ब्रॉथ, वो भी कोलेजन देते हैं. जेलेटिन इज अ प्रोटीन सब्सटेंस जो कोलेजन से ही मिलता है, राइट. सो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस अभी चल रहे हैं. कोलेजन को डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, कोलेजन को ब्रेक करते हैं अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड से. तो कोलेजन पेप्टाइड्स अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं कोई, तो कोलेजन का हाइड्रोलाइज्ड सप्लीमेंट ज़्यादा अच्छा होता है. क्या उसके कोई साइड इफेक्ट है कोलेजन के? ऑल दो कोलेजन के खुद से कोई साइड इफेक्ट नहीं है. अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, स्किन के, जैसे फिश से एलर्जी है, तो फिश से लिया हुआ कोलेजन, एग से लिया हुआ कोलेजन आपको एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, वरना आपको कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है. हाँ, कोलेजन का थोड़ा सा टेस्ट अजीब हो सकता है, लेकिन इसीलिए कोलेजन जो आते हैं मार्केट में वो कैप्सूल में आते हैं या फिर आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड आते हैं. कुछ लोगों को कोलेजन लेने से हार्ट बर्न यानी डाइजेशन हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, बाकी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है. बॉटम लाइन, अगर आप कोलेजन की बात करें तो कोलेजन इज यूजफुल फॉर स्किन, बोन, जॉइंट, मसल्स, हार्ट, एवरीथिंग. सो अगर हम ऐड करना चाहे एक पेशेंट जो उम्र जिनकी बढ़ रही है, जिनको अपने स्किन बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, कोलेजन लेना चाहिए. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये मैं खुद भी लेता हूँ और माताजी को भी अपनी देता हूँ. मैं खुद कोलेजन पेप्टाइड लेता हूँ और ये भी एक हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड है, राइट. दिस वन इज़ फ्रॉम मसल नेक्टर. सो आप कोलेजन, ये प्योर कोलेजन है, इसमें और कुछ नहीं है. सो आप प्योर कोलेजन ले सकते हैं या आप कोलेजन विथ अदर, जैसे इसमें कोलेजन टाइप 1, टाइप 2 सारे हैं, और एक होता है जो जॉइंट के लिए होता है, वो सिर्फ टाइप 2 होता है. सो आप टाइप 2 विथ अदर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, बट एक ओवरऑल के लिए फिर ये ज़्यादा बेहतर, अगर आपको स्किन भी हेल्दी चाहिए, जॉइंट भी चाहिए और वो सब. सो दिस इज़ अ गुड सप्लीमेंट जो मैं ले रहा हूँ और माताजी को भी दे रहा हूँ. सो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हो. दैट्स ऑल. कोलेजन इज़ वेरी गुड, डू ट्राई और डू लेट मी नो आपके फीडबैक्स कैसे हैं. और कोई ऐसा टॉपिक आपको चाहिए कि मैं कवर करूँ तो नीचे लिख दीजिए. एज़ यूजुअल लाइक करिए और मुझे बताइए कि आपको अपने तरफ से कौन कौन से सप्लीमेंट से फ़र्क पड़ा है, किस किस से इफ़ेक्ट आया है, कौन सा सप्लीमेंट आपको लगता है काम नहीं करता, ताकि उसके ऊपर हम रिसर्च करके आपको बताएंगे उसका बेसिक क्या है. मे भी आपको उसके सही यूजेस नहीं पता, जैसे इसके बारे में भी कुछ गलत गलत बातें आ जाती है कि एक्ने ठीक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सी जगह काम करता है, कौन सी जगह नहीं करता. दैट्स ऑल अबाउट कोलेजन एंड रिव्यू फ्रॉम डॉक्टर एजुकेशन. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी.